हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यूज़ करूँगी पुराने कपड़े का। ये देखिए, मेरे पास फटी हुई कुर्ती है। ये मैं पहनती थी लेकिन अब ये फट चुका है, इसलिए अब इसको नहीं पहनती हूँ। तो आज हम ऐसे ही पुराने कपड़ों का ही यूज़ करके कुछ नया बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या बनाया है। देखिए, यहाँ से ये फटा हुआ है और मेन रीयूज़ इसमें पुराने कपड़े का है। और जो हमारे घर में कपड़े वाले जो पॉलीथीन आते हैं, जो दुकान से हम लोग शॉपिंग करते हैं तो दुकान वाले देते हैं, वो पॉलीथीन का हम यूज़ करेंगे और कुछ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या बनाया। तो सबसे पहले कोई भी आपके घर में प्रिंटेड कपड़ा हो उसे ले लीजिए, जो भी पुराना हो, प्रिंट थोड़ा सा उसका अच्छा हो दिखने में, तो ऐसे ही में अच्छा लगेगा। तो ये मेरा कुर्ती जो है, इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा था, इसका रीयूज़ ही मुझे करना था क्योंकि इसका और भी कुछ मुझे बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी का करते हैं आज इस्तेमाल। तो ये वाली पॉलीथीन की मैं बात कर रही थी। तो ये है, ऐसे पॉलीथीन हमारे घर में बहुत सारे आते रहते हैं कपड़े के, तो मेरे यहाँ तो बहुत इकट्ठा हो जाता है और मैं इसे रख देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए इसे कुछ रिक्रिएट किया जाए। तो इसे सबसे पहले जो ऊपर का हैंडल वाला एरिया है उसे कट करके निकाल देंगे, और फिर साइड साइड के हिस्सों का जो जॉइंट है उसको भी हम कट कर देते हैं। ये देखिए, इधर से भी कट कर देंगे और फिर इसको खोलते हैं। देखिए, ये जॉइंट है, नीचे वाला हिस्सा हमने नहीं कट किया क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबे की ज़रूरत थी। तो अभी पंखा चल रहा है इसलिए काफ़ी कपड़ा उड़ रहा था। तो ऐसे में हम देख लेंगे कि हमको मेज़रमेंट कितना चाहिए, जो हम चीज़ बना रहे हों कितनी इसकी लंबाई चाहिए। तो मुझे इसकी लंबाई करीब 22 सेंटीमीटर चाहिए था, मतलब जितना हमें बड़ा बनाना है तो 22 सेंटीमीटर चाहिए था। तो मैंने 22 सेंटीमीटर निशान यहाँ पे लगाया, देखिए 22 सेंटीमीटर, और फिर मैं कट कर दूंगी इसको। आप चाहें तो इसे लंबा भी बना सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बन रहा है, बाद में आप समझ सकते हैं कि क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आप लंबाई चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया। अब हम कपड़े का यूज़ करेंगे, तो कपड़ा को पहले हम फैला लेते हैं, और ये जो नीचे वाला प्रिंटेड वाला हिस्सा है नीचे का, वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम किसी चीज़ में और यूज़ कर लेंगे, झालर वालर बनाने के काम ले लेंगे। तो अभी मैंने सोचा इसे फाड़ दें, पर ये फटा नहीं, और फिर मैंने इसे कट किया। मेरी ये घेर वाली कुर्ती थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। आप चाहे तो प्लेन वाली, जो स्ट्रेट वाली कुर्तियाँ होती हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के टॉप वगैरह यूज कर सकते हैं, शर्ट का यूज कर सकते हैं, जो भी पुराना आपके पास है उसका यूज कर सकते हैं। फिर मैं वही देख रही थी मेजरमेंट किस तरह से करें, लंबे में करें या फिर चौड़ाई में करें, तो चौड़ाई मुझे ज़्यादा सही लगा। तो अब हम इस तरह से इसको पहले रख लेंगे, बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद अगर आप पिनअप कर सकते हैं, आपके पास पिन हो तो पिनअप कर लीजिए। अभी मेरे पास नहीं था पिनअप करने के लिए कुछ, तो इसलिए मैंने नहीं किया और ऐसे ही रख के कट करने लगी। तो पिनअप करने से फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है और सिलाई करने में भी आसानी होती है। तो बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे पिनअप करने की बजाय यहाँ पे कच्चा ही कर लें, सुई धागे से मोटा मोटा सिलाई दे दें ताकि ये खिसके नहीं। तो मैं तो ऐसे ही मैंने तो शुरू किया था बनाना। तो ये देखिए, मैंने बराबर कट कर लिया है। अब इसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके साइड कर लेते हैं। चलिए मशीन लाते हैं। तो मशीन में हम साइड साइड से सिलाई इस तरह से दे देंगे। ये मैंने चारों तरफ से इसको ज्वाइंट कर दिया। Thank you.
अब हम देखते हैं कि किधर से बड़ा हो रहा है, क्योंकि कपड़ा हमारा फ्रॉक सूट जैसा था तो इसलिए कहीं से बड़ा कहीं से छोटा निकल रहा था। अगर आप स्ट्रेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए बोल रही थी स्ट्रेट कपड़े के लिए। तो ये देखिए मेरा हो गया है, और इसके बाद से देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे ये मेरे पास देखिए इस तरह का लेस है, एक्चुअली ये लेस नहीं है, ये जो रेडीमेड वाले टेबल क्लॉथ आते हैं तो साइड में लगे रहते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो मेरा बीच का हिस्सा फट गया था और साइड साइड से निकल रहा था, इसलिए मैंने पूरा ही निकाल दिया और इसे मैंने रख दिया था ताकि मैं किसी और चीज़ का यूज़ के लिए यूज़ कर सकूँ। तो होता है ना, कभी कभी पुरानी चीज़ें भी काम में आ जाती है, तो पुरानी चीज़ों का ही कुछ बना रहे हैं तो पुरानी चीज़ें ही यूज़ की जाए, और मुझे ये काफ़ी सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने रख दिया था। देखिए आज यूज़ में भी आ गया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो चीज़ मैंने संभाल के रखी थी, जो फेंकने जा रही थी, उसका मैं आज कुछ यूज़ कर रही हूँ, तो ये सोच के मुझे बड़ी खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने इस तरह से साइड साइड में लगाऊंगी, और हाँ इसके बाहर की तरफ से नहीं लगाना है, अंदर की तरफ से लगाना है। तो ये देखिए कॉर्नर पे हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो कॉर्नर बहुत लोग ऐसे ही घुमा के फोल्ड कर देते हैं, पर हमें ऐसे नहीं करना है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, अच्छे से सिखाती हूँ। पहले तो आप इस तरह से स्पेस लेते हुए इसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है उसको अंदर से इस तरह से घुसाते हुए कोना बनाएंगे, बिल्कुल नुकीला बनाएंगे, और फिर देखिए कितना अच्छा बन गया और हमारा कपड़ा भी मोड़ गया लेस। तो इस तरह से हम करेंगे, मैं फिर से बताऊँगी एक बार आगे की तरफ, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे मुड़ता है। तो जब भी हम साड़ी में दुपट्टे में लेस लगाएं तो आप इस बात का ध्यान दें कि हमें डायरेक्टली उसको फोल्ड नहीं करना है। देखिए मैं कॉर्नर पे मैंने इस तरह से घुमा के और फिर एक सिलाई दे दी है ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा इसका दुपट्टे का कॉर्नर बने, दुपट्टे का सॉरी जो मैं बना रही हूँ उसका कॉर्नर बने, दुपट्टा तो नहीं है ये। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं अगले कॉर्नर में फिर से बता दूँगी आप सबको। ये देखिए फिर से हम वैसे ही करेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है अंदर की तरफ जब फोल्ड करने के बाद से हम मुड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा नुकीला कॉर्नर बनता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से कर लेते हैं। देखिए हमारा चारों तरफ से हो चुका है, और बीच में हल्का फुल्का सा झोल आ रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा ये फ्रॉक सूट था इसकी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सिलाई करते समय हम इसे अंदर कर देंगे। पॉसिबल हो तो इसके बीच में हम फोम भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास फोम अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे ही बनाते हैं। तो इसको मैं इस तरह से क्या किया कि मेरे पास पिन नहीं था तो मैंने कच्चा ही कर लिया, क्योंकि ये खिसक रहा था काफ़ी। तो मैं पहले से मोटी मोटी सिलाई डाल दूंगी और आगे वाले हिस्से को लेस को फिर से इसको कच्चा करने के बाद मैंने सिलाई स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए ये सिल गया, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये मेरे पास प्रिंटेड कपड़ा है, आप लोगों ने मेरे वीडियो अगर देखा होगा तो पहले ही मैंने इस कपड़े का यूज़ किया है। इस तरह का कपड़ा आपके पास है, कॉटन है, चाहे कोई भी कपड़े में है, नायलॉन है, तो ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, और इसको हम इस तरह से पतला ही कट कर लेंगे, और फिर से हम अपना लेंगे ये, और इसको हम साइड साइड से लगाएंगे इस तरह से, यानी सीधा वाला हिस्सा अंदर होना चाहिए और उल्टा वाला हिस्सा बाहर होना चाहिए, फिर इसको नीचे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और हाँ, वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करके बताया करिए कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और फिर इसको चारों तरफ से हम सिल लेंगे, और हमारा जब चारों तरफ से सिल जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से पाइपिंग बनाते जाएंगे। तो आप लोगों ने पाइपिंग बनाते हुए देखा होगा, किसी भी चीज़ में अगर साइड से हम पाइपिंग बना देते हैं तो वो देखने में फिनिशिंग भी हो जाती है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम पाइपिंग बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे। तो इस जगह पे अगर आप नए नए सीख रहे हो तो आप यहाँ पे पिनअप कर दे पहले से ही फोल्ड कर करके, और फिर बस सिलाई लगानी रहेगी। तो
आप सबको ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे और आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ नया नया सिखाती रहूँगी। तो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए मुझे कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये यहाँ पे मैं बिछा के दिखा रही हूँ, पर ये यहाँ पे बिछाने वाला नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं यहाँ पे बीच में टेबल पर बिछाने के लिए, या फिर इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, मेरे यहाँ पे एक साउंड बॉक्स है उसको ढकने के लिए, तो आप ढकने के लिए किसी चीज़ को या फिर नीचे बिछाने के लिए आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकती हैं। तो आप सबको आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो पुराने कपड़े का यूज़ मैंने किया है, पॉलीथीन का यूज़ करके इतना सुंदर सी चीज़ बनाई है, ज़रूर बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।